Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Now we'll start STA 641 lecture 1 to 7 practice on Excel. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको न्यू आने वाली अपडेट मिल सके। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम STA 641 की लेक्चर 1 to 7 जो कि एक्सेल प्रैक्टिस है वो डिस्कस करेंगे। आपको ये डिस्क्रिप्शन फाइल में मिल जाएंगी ये फाइल्स, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और मेरे साथ साथ आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने फाइंड करना है मीन, मीडियन, मोड, मैक्सिमम, मिनिमम एंड रेंज। तो हम मीन कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे फार्मूला, फार्मूला में इंसर्ट फंक्शन, एवरेज, हमने क्या फाइंड करनी है, एवरेज, एवरेज हमने फाइंड करनी है, एवरेज पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक ओके। तो ये हमारे पास रेंज सेलेक्ट करनी है कि हमें किसकी एवरेज फाइंड करनी है, मुझे इस कॉलम की फाइंड करनी है तो मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ। फिर आपने यहाँ पर क्लिक करके ओके, तो ये आपके पास इसकी एवरेज आ जाएगी। सेकेंड वे ये है कि आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए, आप वो यहाँ पर राइट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल साइन एवरेज, और फिर आपने अपनी रेंज सेलेक्ट करनी है जिसकी आपने एवरेज फाइंड करनी है, और फिर क्लोज ब्रैकेट और एंटर। तो ये आपके पास इसकी मेन आ गई। नेक्स्ट क्या है, हमने मीडियन फाइंड करना है, फिर इंसर्ट फंक्शन, यहाँ से ये हमारे पास मीडियन है, मीडियन ओके। तो ये हमने रेंज सेलेक्ट करनी है मीडियन की, तो हमने इस वैल्यू का फाइंड करना है, तो ये हमारे पास रेंज आ गई और हम क्लिक करते हैं ओके पे, ये हमारे पास इसका मीडियन आ गया। फिर सेकंड आपने राइट करना है इसका फार्मूला मीडियन, रेंज सेलेक्ट करें आप यहाँ से इसकी, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो ये आपके पास मीडियन आ गया। फिर आपने फाइंड करना है मोड, मोड का इंसर्ट फंक्शन, ये मोड है, तो आपने यहाँ से इसकी ओके पे क्लिक करना है फर्स्ट, फिर आपने इसकी रेंज सेलेक्ट करनी है, क्लिक ओके, तो ये आपके पास मोड आ गया। और सिंपल मोड का फिर आपने यहाँ पे मोड का फार्मूला राइट करना है, इक्वल साइन मोड, फिर आपने इसकी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, हमारे पास इसकी रेंज ये आ जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर आपने करना है एंटर। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो रिपीटेड हो, इसलिए ये नल होगा। फिर हमने फाइंड करना है मैक्सिमम, मैक्सिमम में हम जाएंगे इंसर्ट फंक्शन, यहाँ पर हम सर्च करेंगे मैक्सिमम MAX, ये हो गया, क्लिक ओके। यहाँ पे हमने रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, प्रेस ऑन ओके, तो ये हमारे पास इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू थी ये हमारे पास यहाँ पे आ गई है। तो अब हम इसका फार्मूला ऐड करें, सबसे पहले इक्वल साइन मैक्स, फिर हम इसकी रेंज सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास ये इसकी रेंज आ गई है, क्लोज ब्रैकेट और एंटर, तो ये हमारे पास मैक्सिमम। अब हम मिनिमम का फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट फंक्शन, यहाँ पे हम मिनिमम का फार्मूला हमारे यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऑल पे जाएंगे, ऑल, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं मिनिमम, मिनिमम और गो पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया मिनिमम, मिनिमम पे करेंगे, फिर हम ओके पे क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ से रेंज सेलेक्ट करनी है, हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं इसकी रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर हमने प्रेस करना है ओके, तो ये हमारे पास मिनिमम आ गई। अब हमने इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले इक्वल साइन मिनिमम ब्रैकेट, फिर हमने इसकी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो ये हमारे पास मिनिमम। अब रेंज कैसे फाइंड करते हैं, रेंज हम फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम इक्वल साइन रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू और एंटर, ये हमारे पास आ गई इसकी रेंज। और सेकंड के भी हमने ऐसे ही फाइंड करनी है, इक्वल साइन मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू और एंटर, तो ये हमारे पास इसकी रेंज आ गई। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है, फाइंड द ऑल डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक फॉर ऑल थ्री कॉलम, इन थ्री कॉलम के हमने क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा, हम जाएंगे फाइल में, फाइल में हम ऐड करेंगे ऑप्शंस, ऑप्शन पे हम ऐड इन, ऐड इन तो एनालिसिस टूल पार्क,
तो हम इस पे क्लिक करेंगे, फिर गो, तो हम यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे और फिर ओके। तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन डेटा में एनालिसिस का, हम एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। तो हमने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक फाइंड करनी है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को हम सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। अब हम इनपुट रेंज हमने किसकी फाइंड करनी है, हम सीड्स की फाइंड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से लेके इसकी रेंज दे देनी है। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने लेबल सेलेक्ट नहीं किया तो इस पर टिक नहीं करेंगे। हमने कहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, तो हम इसकी यहाँ पे रेंज दे देते हैं आउटपुट की, हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं आउटपुट के लिए। फिर नेक्स्ट समरी स्टेटिस्टिक और कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ मेल, इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक ओके। तो ये हमारे पास एक कॉलम आ जाएगा जिसमें हमारे पास होगा मीन, स्टैंडर्ड डेरिवेशन, मीडियन एरर, स्टैंडर्ड एरर। ये हमारे पास इस वाले हमने ये इसकी फाइंड की है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक। आप इन दोनों की भी प्रैक्टिस कीजिएगा, सेम ऐसे ही आपने इन दोनों की डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक फाइंड कर लेनी है। ये नेक्स्ट फाइल ओपन की है हमने, इसमें हमने फाइंड करना है कॉलमेटिव फ्रिक्वेंसी, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, परसेंटेज रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ दिस डेटा। सबसे पहले हम कॉलमेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करते हैं। कॉलमेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, हम इस वाली फ्रिक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं तो हमारे पास कॉलमेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाती है। तो हमारे पास फर्स्ट है 60, तो 60 ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस 60 में सबसे पहले इक्वल साइन 60 प्लस ये नेक्स्ट वाली वैल्यू एंटर, तो ये हमारे पास 110 हो जाएगा। तो एक्सेल में हम ये हमने फार्मूला राइट किया, तो हम इसे ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास ऑल वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पे जो फ्रिक्वेंसी होती है उसे टोटल पे हम डिवाइड करते हैं। तो हम इसे किस साइंस का फार्मूला राइट करेंगे, सबसे पहले इक्वल साइन, तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है 60 और इसे हमने डिवाइड किस पे करना है, टोटल हमारे पास है 230, इस पे हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। तो हम इसे ड्रैग करेंगे, ये हमारे पास पूरा कॉलम आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें हम क्या करते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो हम इसका फार्मूला राइट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल साइन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100 और एंटर। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसे भी हम ड्रैग कर देंगे। ये हमारे पास कॉलम्स आ गए, हमने फाइंड कर लिए कॉलमेटिव फ्रिक्वेंसी, रिलेटिव और परसेंटेज। अब हमने क्या ड्रा करनी है, ड्रा हिस्टोग्राम ऑफ द डेटा। हिस्टोग्राम सबसे पहले आप लोगों ने डेटा को सिलेक्ट करना है ग्रुप एंड फ्रिक्वेंसी, फिर आपने जाना है इंसर्ट, इंसर्ट से आपने जाना है रिकमेंडेड चार्ट। तो ये पे हमारे पे आ जाएगा ये चार्ट, हमने इसे सिलेक्ट कर लेना है और क्लिक ओके। तो ये हम यहाँ से कोई भी इसका डिज़ाइन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया हमारे पास हिस्टोग्राम। इसी तरह से आप कोई भी चार्ट बना सकते हैं। सबसे पहले आप इसे सिलेक्ट कीजिएगा, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट, ये देखिए यहाँ पे लाइन चार्ट, ये आपके पास कॉलम चार्ट है, ये आपके पास, ये आपके पास सेक्टर्ड है। अब मुझे पाई चार्ट बनाना है तो मैं यहाँ से पाई चार्ट पे क्लिक करूँगी, क्लिक ओके। ये देखिए इस तरह से ये आपके पास पाई चार्ट शो हो गया। आप जो उनसे चार्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और वो वाले चार्ट आप ड्रा कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है, फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन मैथ एंड स्टेटिस्टिक। हमारे पास टू कॉलम है, एक मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक। इन टू कॉलम्स की हमने कोरिलेशन फाइंड करनी है और रेग्रेशन फाइंड करनी है। कोरिलेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने डेटा में और फिर हम चूज़ करते हैं डेटा एनालिसिस। तो हम यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम ओके। यहाँ पे इनपुट रेंज देनी है हमने किसकी कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं, तो हम यहाँ से अपनी इनपुट रेंज दे देते हैं ये। फिर हमने राइट करना है, अगर हमने लेबल भी सिलेक्ट किए हैं तो इसलिए मैं लेबल पे टिक कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपने ओके पे क्लिक करना है, तो ये आ गई आपकी कोरिलेशन। कोरिलेशन आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, होम पे जाके यहाँ से। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है
रिग्रेशन बिटवीन मैथ एंड स्टेटिस्टिक। रिग्रेशन हमने मैथ और स्टेटिस्टिक में फाइंड करनी है, फिर हम कहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट पे, सॉरी इंसर्ट पे नहीं, डेटा पे। डेटा पे जाने के बाद हम जाएंगे डेटा एनालिसिस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे रिग्रेशन, क्लिक ओके। सबसे पहले इनपुट वाई रेंज, हमारे पास जो वाई का कॉलम है उसे हमने सेलेक्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारे पास वाई। फिर इनपुट एक्स रेंज, एक्स की रेंज, ये हमारे पास एक्स आ गए। फिर लेबल, मैंने लेबल सेलेक्ट किए इसलिए मैं लेबल पे टिक कर रही हूँ। फिर आपने टिक करना है कॉन्फिडेंस इंटरवल, यहाँ पे आपने रेसिडाइल, रेसिडाइल प्लॉट, स्टैंडर्ड रेसिडाइल्स, लाइन फिट प्लॉट और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट, इन सब पे आपने क्लिक करना है और फिर क्लिक कर देना है ओके की टैब पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक न्यू शीट पे ये वाली आउटपुट शो हो जाएगी। सबसे पहले आपने यहाँ से अपने रिग्रेशन को हाईलाइट कर लेना, फिर आपके पास ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट है, आपके पास इसके साथ तीन प्लॉट्स आ जाएंगे, तो आप इन्हें सेपरेट कर लीजिएगा। ये आपकी रेग्रेशन है, ये आपके पास नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट है, मार्क इन मैथमेटिक रेसिडाइल प्लॉट है और मैक इन द मैथमेटिक लाइन फिट प्लॉट। ये आप तीनों प्लॉट रेग्रेशन के साथ शो होते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले डिस्कस किया है मीन मीडियन मोड बाय फंक्शन, के फंक्शन को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और बाय फार्मूला उन्हें कैसे कर सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को, हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के बाद हमने डिस्कस किया था कॉलमेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर हमने सीखा है कि हम हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट हम कैसे बना सकते हैं। और लास्ट में हमने डिस्कस किया कोरिलेशन एंड रेग्रेशन। आप इन सब क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप पेपर में आने वाले हर क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।